हमारे देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए सम्मानित नेता माननीय यशवंत सिन्हा जी मंच पर उपस्थित टीआरएस पार्टी के लोकसभा के नेता श्री नामा नागेश्वर राव जी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन भूतपूर्व पार्लियामेंट मेंबर श्री सुधेंद्र कुलकर्णी जी माननीय मंत्रीगण माननीय पार्लियामेंट के सदस्य तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और हमारे तेलंगाना विधानसभा के विधायक भाइयों बहनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। राजेश्वर रेड्डी के बाद फिर एक बार मैं यशवंत सिन्हा जी का हृदय से तेलंगाना जनता के ओर से तेलंगाना सरकार के ओर से हम तमाम के ओर से स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक हैदराबाद शहर में। यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सच्चे टॉल पर्सनालिटी है। उन्होंने अपने करियर एडवोकेट के रूप में स्टार्ट की है, बाद में वो IAS अधिकारी भी बने, अधिकारी के रूप में भी कई सेवाएं देश को उपलब्ध कराए। उसके बाद राजनीति में आए और सम्मानित रूप से एक बार वो वित्त मंत्री थे देश के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद उनके जो इनसाइट्स थे, जो मंत्रालय वो संभाल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेरिस में उनको पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली हैं कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं। इस चीज को लेकर देश के सारे पार्लियामेंटेरियंस को मैं एक अपील करना चाहूंगा। भारत में हमारे लोकतंत्र है, वी हैव ए डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया। इससे पहले जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे थे उस समय हिंदुस्तान में एक नारा चला कि भाई आत्म प्रबोध से वोट दीजिए और उसी के अनुसार वीवी गिरी जी का भी जीत हुआ। यह हमारे देश के इतिहास में है। आज मैं सारे भारत के पार्लियामेंटेरियंस को, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स है, विधायक है, जो भी इस चुनाव के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने के लायक है, उन सारे भाइयों से बहनों से मैं अपील करता हूं, तुलना करके देखिए दोनों कैंडिडेट के बीच में और आपके आत्मा के अनुसार, आत्मा प्रबोध के अनुसार यशवंत सिन्हा जी का तायीद कीजिए। यशवंत जी, मैं दो चार शब्द जरूर कहना चाहूंगा।
आशा करते हैं कि आप जीत जाए और देश का मान्यता बढ़े, देश का मान मर्यादा बढ़े। आप जैसे पर्सनालिटी जीतती है, व्यक्तिगत तौर पर आपका तो पर्सनालिटी बढ़ेगा ही, लेकिन देश का मान मर्यादा और बढ़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में आज? जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में देश को खामोश नहीं रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए और एक परिवर्तन, परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं, एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन। वी नीड टू ब्रिंग इन ए क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन टुडे। आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज हैदराबाद आने वाले हैं, दो दिन के लिए यहां रहने वाले हैं। गला फाड़ फाड़ के हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, जो जिसके समझ में आए बोले, जो जिसको कहना है कहे, यही हमारा लोकतंत्र का मान्यता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पर गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे, एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी, टॉर्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, सारे देश कह रहा है। आप समझते हैं आपसे बड़ा बुद्धिशाली कोई है ही नहीं, ठीक बात है। किसानों के बारे में, जो हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, देश के अन्नदाता है, आपने कह दिया किसान का इनकम डबल करेंगे, डबल तो हुआ ही नहीं, खर्चा डबल हुआ जरूर। आपने जिस प्रकार से डीजल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, बिजली का कीमत बढ़ा दिए, खाद का कीमत बढ़ा दिए, उससे इन्वेस्टमेंट डबल जरूर हो गया है। भले ही मैं हैदराबाद से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर किसान यह बात जानता है, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपने जिस प्रकार से 3 बिल लाए हैं खेती किसानी को लेकर के, 13 महीने इस देश में किसानों ने आंदोलन किया आपके सरकार के खिलाफ, आपके नीतियों के खिलाफ। आप किस प्रकार के गंदे गंदे आरोप हमारे अन्नदाताओं पर लगा रहे थे? आपने तो उनको उग्रवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, जो आपके मन में आए मनमानी कह दिए। आपके मंत्रियों ने आंदोलनकारियों पे जीप चढ़ाए, कार चढ़ाए, मार दिए, हत्या भी किए, और उस दौरान 700 किसान वीर गति पाए। आंदोलन लड़ते लड़ते 700 किसान का मृत्यु हुआ। आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है?
कोई दया नहीं है? क्या ये सच नहीं कि 700 किसान मारे गए? यहां से मैंने ऐलान किया था यशवंत जी, आंदोलन के दौरान जिन किसान भाइयों ने अपनी जान गंवाई है उनको तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन उन परिवारों के देखभाल के लिए तेलंगाना सरकार के ओर से हमने 3-3 लाख रुपए हर घर में देने का घोषणा किया। और हाल ही में मैंने पंजाब सरकार के सहयोग से चंडीगढ़ तक जाके वहां किसानों के हाथ वो चेक दे दिए। इसके भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भाजपा के नेता मजाक उड़ा रहे थे, आप तो देते ही नहीं, कम से कम जो देने वाले हैं उनका मजाक भी उड़ाते हैं, ये आपका राज है, ये आपका नीति है, इस प्रकार का सरकार आप चला रहे हैं इस देश में? दोस्तों, ये सोचने की बात है, जिस प्रकार के बातें माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे, माननीय कृषि मंत्री कह रहे थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग कह रहे थे, किसानों का जिस प्रकार अपमानित कर रहे थे, आखिरकार हुआ क्या? अगर आप सही थे, अगर आपके बनाए हुए कानून सही थे, आखिर हुआ क्या? देश, सारा देश के सामने आपको सर झुका के किसानों को माफी मांगना पड़ा। आपने माफी मांगा? यह तो प्रधानमंत्री का आदत है, चुनाव के वक्त है मीठी मीठी बातें, चुनाव गुजर गया तो झूठी झूठी बातें। ये देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है। अगर आप सही थे तो फिर किसानों को क्यों माफी मांगा? आपके बनाए हुए कानून क्यों वापस लिए? और उसके बाद में किसानों को जो आश्वासन आप दिए थे, क्या हुआ? आज तक कोई बात ही नहीं है? किसान आपको कोई सोना हीरा थोड़ी मांग रहा है? किसान, देश के किसान, किसान अपने उगाए हुए पैदावारी का मोल मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, एक इज्जतदार जिंदगी मांग रहे हैं। जिस प्रकार से आप पूंजीपतियों का एनपीएस का कर्जा उतारते हो लाखों करोड़ देके, वो नहीं मांग रहे किसान। किसान मांग रहे तो अपने हक मांग रहे, अपने पैदावारी का दाम मांग रहे, वो भी देने का क्षमता आपके पास नहीं है? आप आवाज ऊंचा करके, बात करके, जो मन में आए कह के आप कहते जाओ, आगे ये नहीं चलने वाला है इस देश में।